लोग आपको रात है, एक्चुअली रात नहीं है, बस सुबह आपकी 6 बजे हुए हैं और ये गंगोत्री का माँ गंगा का शीतल जल है। बस और ये है गंगोत्री की सुबह, माँ गंगा का आशीर्वाद है जो सुबह 6 बजे ऐसा दृश्य देखना नसीब हुआ। तो मैंने कहा उठाऊं, जा रहा था एक और रूम में, वहाँ पे सारे और लोग रुके हुए हैं, यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, तो मैं कहा जाऊं और उन लोगों को उठाऊं। तब तक मैंने देखा ये, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सुप्रभात, ये जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं माता जी के आशीर्वाद से, वहाँ से ये जो आपको चोटियाँ दिख रही हैं, ये मंदिर जो है, ये माँ गंगा गंगोत्री मंदिर है। उठा, बाहर आया और क्या देखता हूँ, ये अभिहंगम दृश्य। एकदम माँ गंगा की गोद में हैं आप, ये फील कर सकते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में माता गंगा का गंगोत्री मंदिर, और आप ये सोच सकते हैं कि कितनी ही सुंदर जगह माता जी निवास करती हैं। हालत ख़राब हो गई, शाम को टेम्परेचर पहले -1 हुआ, तो हमने सोचा 2 तक जाएगा 3 तक जाएगा, -6 तक गया, और हाथ धोने में, ब्रश करने में हालत जो है बहुत गंदी ख़राब हुई। बस अब 7 बजे आरती है माता गंगोत्री मंदिर में, तो अब जाते हैं वहाँ पे और आरती करते हैं, और अगर अलाउड हुआ कैमरा आरती के टाइम, वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है, बाहर से तो अलाउड है, अंदर तो नहीं जाएंगे हम लोग सुबह सुबह पहली आरती, तो 7 बजे की आरती है, तो अगर कैमरा अलाउड हुआ तो दिखाता हूँ आपको आरती, और चलते हैं, बाकी लोगों को भी उठाते हैं। ये जो पूरा एरिया है, ये मंदिर का मुख्य घाट है, जिससे आप मंदिर से उतर के सीधे गंगोत्री मंदिर से उतर के यहाँ पे, और ये है माँ गंगा, ये मेन स्नान घाट है, जिससे आप आके यहाँ पे जो है गंगा जी का वेग इतना ज़्यादा है कि मेरी आवाज़ शायद आपको नहीं आ रही हो, बट ये पूरा एक नज़ारा ऐसा है जो आरती थी जो कि हम लोगों ने अभी की, और बस क्योंकि सुबह सुबह की आरती थी 7 बजे की। अब हम लोग हैं वापस जा रहे हैं,
और नहा धो के मंदिर के जो है गंगा जी का श्रृंगार होगा, उस श्रृंगार के दर्शन करेंगे। और ये मैं मंदिर के जो है मेन मुख्य द्वार से बाहर आ रहा हूँ, आपको काफ़ी सारी दुकानें मुख्य द्वार के बाहर से ही देखने को मिलेंगी। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। जहाँ तक देखा जाए तो कोरोना का बहुत असर पड़ा है। लोग कह रहे थे यहाँ पे जो दुकानें हैं वो काफ़ी बंद हो गई हैं, लोग इक्का दुक्का दुकानें खोल रहे हैं, अपना जीवन यापन रोटी कैसे चलाएं इस चीज़ की प्रॉब्लम है। जिस होटल की कीमत बहुत हाई थी वो 300-400 में लेना पड़ रहा है। जैसे कि ये जहाँ हम लोग रुके हुए हैं, समय एक चाय देते ना यार। ट्रैक मतलब कोमुक ट्रैक में कोई दिक्कत तो आती नहीं, वो आराम से हो जाता होगा। आप लोग गए हो, कितनी बार तक गए हो आप लोग? 3-4 बार। तो हम ये कह रहे हैं अभी मान लीजिए बहुत टाइम से कोई गया नहीं है तो इस कंडीशन में वहाँ पे और ज्यादा मतलब वो हो गया होगा, रास्ता रास्ता बंद हो गया, भूस्खलन हो सकता है? ना ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। अच्छा फिलहाल ठीक है, जो लोग आ रहे हैं बता रहे हैं वो, यानी अच्छा है सब, बढ़िया है। लेकिन इस समय जो नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई गया है नहीं काफ़ी टाइम से, तो हमें लगता है इस समय जो नज़ारे मिलेंगे बहुत ज़बरदस्त होंगे। हाँ बढ़िया है ना, मज़ा आ रहा है शायद। नहा लिया धो लिया रेडी हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं माँ गंगोत्री मंदिर की तरफ। जो सुबह आपने आरती देखी वो 7 बजे की आरती थी, और वो आरती एक्चुअली मेरी जवान फ्रीज हो रही है, लगभग -4 डिग्री है यहाँ पे। और जो सुबह आपने आरती देखी वो सुबह की आरती थी 7 बजे की, जो कि पहली आरती मंगला आरती जिसको बोलते हैं। उसके बाद अब माता का श्रृंगार हुआ है, उसके बाद दूसरी आरती होगी माता की, और अब हम लोग जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद प्लान ये बन रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस जाते हैं, वहाँ से परमिशन लेनी होगी गोमुख ट्रेक के लिए, और वहाँ से हम लोग निकलेंगे गोमुख के लिए। और फिर तो उसके बाद व्यूज देखिए आप, और वहाँ से निकलते हैं गोमुख, फिर कैसा होता है। के लिए हो रही है लड़ाई, और अब मैं आपको सबसे मिलवाने वाला हूँ, और जो भी लोग हैं यहाँ पे सबसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सुबह मंगला आरती के टाइम तो इतने नहीं थे, और अब कंडीशन ये है कि ये देखो क्या नाम है इसका, मैम क्या नाम है इसका, डम्पलिंग इसको बोलते हैं, किस्मत। ये देखो ये है किस्मत, कितना क्यूट है ये। और ये सब लोग, ये मेरी सिस्टर, ये मेरा भाई, ये सब लड़ रहे हैं यहाँ पे। कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे कि कोई भी जो है वो फोटो खिंचाने को नहीं, सब डंपलिंग को खिलाने के लिए हैं और उसके साथ फोटो खिंचानी है। ये देखो ये देखो क्या कंडीशन हो रहा है। ये भैया चश्मा हमें भी दे दो यार, चश्मा दे दो। एक छोटा सा चेंज इन प्लान हो गया, वो ये हुआ कि गोमुख की यात्रा जो है वो नहीं हो पाएगी हम लोगों की,
बिकॉज कि 15 तारीख से यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं और जो गोमुख ट्रैक कराते हैं तो उनकी परमिशन जो है वो नहीं दे रहे हैं। आज लास्ट इनका रजिस्ट्रेशन कल तक था, वो आज सुबह गए हैं और कल वापस आ जाएंगे, कल से गोमुख बंद हो जाएगा। तो 8 तारीख आज से गोमुख जो है बंद है। बस गए थे परमिशन लेने लेकिन नहीं मिल पाई, क्योंकि ऊपर कोई चीज़ सारी व्यवस्था नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो उखड़ के वापस आ रही हैं भोजवासा चीड़वासा से। यही दो जगह है जहाँ पे भोजवासा में रुक सकते थे आप और चीड़वासा में खाने की और बीच में आराम करने की व्यवस्था थी। कोई नहीं, गंगा मैया फिर चाहेंगी फिर बुलाएंगी। तो अब प्लान ये हो रहा है यमुनोत्री जाने का। अब यहाँ से हम लोग देखो अभी तो यहाँ शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा रहेंगे यहाँ, एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, उसके बाद जो है सीधे हम लोग माँ यमुना के लिए रवाना होंगे, यमुनोत्री के लिए। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। गोमुख तो नहीं जा पाए लेकिन मैं आपको अब जहाँ से माता गंगा निकली हैं सुमेरु पर्वत, वो यहीं से दिखाता हूँ। ये है सुमेरु पर्वत, यहीं से माँ गंगा का जो है उद्गम हुआ है और गंगोत्री मंदिर टेंपल से।